और सबसे पहले हम बहन जी को लेकर दिए गए चंद्रशेखर आजाद का वो बयान का वीडियो आपको दिखाते हैं। इसके बाद पूरे विस्तार से इस बयान को लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बहन जी की हर कोई नेता तारीफ कर रहा है। तो वो बयान चंद्रशेखर आजाद का आप सुनिए। मैं किसी की आलोचना नहीं कर सकता उस स्तर पे, क्योंकि बहुत काम किया। मैं बहन जी की भी नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने बहुत काम किया। माननीय काशीराम साहब ने बहुत काम किया, तो हम तो उनके पदचिन्हों पे चलने काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बड़ी है, सम्मानित है, उन्होंने बहुत काम किया। कोई अपने बड़ों के लिए कोई अब सब नहीं भूलता। तो तुम मेरा झगड़ा कराना चाहते हो, मैं नहीं करूंगा, तो तुम मुझसे ऐसे सवाल मत पूछा करो। तो वो जानबूझ के पूछते हैं कि हमारा उनका झगड़ा हो, तो हम क्यों कहेंगे झगड़ा करें। वो बड़ी है, वो हमेशा बड़ी रहेंगी। मैं काम में उनकी बराबरी थोड़ा ही कर लूंगा, मैं तो उनसे 30 साल छोटा हूँ। तो चंद्रशेखर आजाद का वो बयान हमने आपको सुनवाया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद बहन जी के बारे में कह रहे हैं कि मैं काम में उनकी कभी बराबरी नहीं कर सकता हूं, मैं तो वैसे भी उम्र में उनसे 30 साल छोटा हूं। उन्होंने कहा कि जो आपको बता दें कि मेनस्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकार हैं वो लगातार चंद्रशेखर आजाद से बहन जी को लेकर सवाल करते हैं कि कैसे आपके बहन जी से संबंध है, आप बहन जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, बीएसपी के बारे में क्या कहना चाहोगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो जानबूझकर मुझसे पूछते हैं कि मेरी और उनकी लड़ाई है, मैं क्यों उन पर गलत सलत बयान दूंगा। मैं उनका सदैव सम्मान करता हूं, क्योंकि बहन जी ने और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो काम किया है वो वास्तव में सराहनीय काम किया है, और हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और मैं कभी भी बहन जी की जो है आलोचना उस स्तर पर नहीं कर सकता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। तो आज आपको बता दें कि बसपा सुप्रियो मायावती के कामों की सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे बड़े नेता बहन जी की तारीफ करते हैं। भले ही वो बहन जी की पार्टी में शामिल ना हो या बहन जी की पार्टी से गठबंधन ना हो, लेकिन कोई भी नेता ऐसा नहीं होगा जो बहन जी के कामों को नकार दे, क्योंकि बहन जी ने अपने दौर में जो काम किया है वो दलित समाज के साथ साथ सर्व समाज के लिए बहन जी ने बहुत काम किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि बहन जी के संघर्ष का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2007 के उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनाव में बहन जी ने अपने दम पर अकेले अपनी पार्टी के बलबूते पर उत्तर प्रदेश में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी की बनाकर दिखाई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज 2022 के जब विधानसभा के चुनाव हुए तो अखिलेश यादव ने लगभग 30 से 35 पार्टियों से गठबंधन तो कर लिया, तमाम छोटे बड़े दलों को साथ ले लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाए। इसके अलावा बीएसपी, आप सोचिए कि अपने दम पर अपने बलबूते पर बहन जी और माननीय साहब कांशीराम जी के संघर्ष की बदौलत बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इस देश की तीसरी सबसे पार्टी बीएसपी बनकर दिखाई है, एक राष्ट्रीय पार्टी बनी बीएसपी। और आपको बता दें कि बहन जी ने अपने जब दौर था युवावस्था, बहन जी की उम्र थी चंद्रशेखर आजाद के बराबर, तब आपको बता दें कि दलितों के लिए उन्होंने देर रात मेहनत की। आज आपको बता दें कि उन पर लोग सवाल खड़े करते हैं कि वो ग्राउंड पर नहीं उतरती हैं, तो बहन जी ने ग्राउंड पर पहले जो काम किया है वो आपको बता दें कि आज तक भुलाया ही नहीं जा सकता। अब आपको बता दें कि उम्र के हिसाब से हर किसी में परिवर्तन आता है कि वो आपको बता दें कि उतना काम नहीं कर पाते हैं जितना कि पहले काम किया जा सकता था, लेकिन बहन जी कहीं ना कहीं एक गलती तो कर रही हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद हो या आपको बता दें कि बहन जी हो, इन दोनों को एकजुट होना चाहिए। इसके लिए जो अभिषेक कुमार जाटव है बहुजन शायर, वो लगातार आपको बता दें कि ट्वीट कर रहे हैं, लगातार वो इस बात को लेकर आवाज आप उठा रहे हैं कि बहुजन नेताओं को एकजुट होना चाहिए, बहन जी और चंद्रशेखर आजाद को एकजुट होना इस दौर में बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद संघर्ष कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं बहन जी के पास भी एक बड़ा वोट बैंक है। चंद्रशेखर आजाद के प्रति लोगों का झुकाव हो रहा है, लोग चंद्रशेखर आजाद को पसंद कर रहे हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों नेता एकजुट हो जाते तो बहुजन समाज को सत्ता में आने से कोई भी पार्टी नहीं रोक सकती, और 2024 में भी ये दो पार्टियों का गठबंधन हो जाता तो एक बड़ी जीत। हम नहीं कहते कि इस देश में चंद्रशेखर आजाद या बहन जी पीएम ही बन जाती 2024 में, लेकिन इतना तो है कि ये बड़ा परिवर्तन ला सकते थे, विपक्ष की एक बड़ी भूमिका निभा सकते थे, और हो सकता कि इनके बगैर 2024 में सरकार भी नहीं बनती। तो ये होती है आपको बता दें कि एकजुट रहने की ताकत, लेकिन बहन जी आपको बता दें कि किसी पार्टी से गठबंधन नहीं कर रही हैं, और आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद तो कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, क्योंकि समान विचारधारा पर काम कर रहे हैं, बहुजन के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, दलितों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, तो वही काम
बहन जी भी कर रही हैं, लेकिन बहन जी आप ग्राउंड पर नहीं हैं और ना ही किसी से गठबंधन कर रही हैं, ना ही उनके पास आज ऐसा कोई चेहरा है जिसको वो सामने लाकर ग्राउंड में उतारें, या कोई आप बता दें कि नेता हो जो संघर्ष कर रहा हो सड़क से लेकर संसद तक, दलितों के साथ खड़ा हो अन्य अत्याचार में, ऐसा कोई भी नेता बहन जी के पास अभी फिलहाल नहीं दिखाई देता है। आप इस पर क्या कहेंगे, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिए गए बयानों पर कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।